आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा मयंक कुमार जैन की अध्यक्षता में और धर्मपत्नी न्यायाधीश मयंक कुमार जैन, मार्कंडेय शाही जिलाधिकारी गोंडा चंद्रमोहन चतुर्वेदी, अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट डॉक्टर दीनानाथ सप्तम, अपर जिला जज नोडल अधिकारी लोक अदालत शेर कुमारित्वा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण और जिला प्रशासन के सम्मानित अधिकारीगण की उपस्थिति में राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुसरण में विधिक सेवा और सहायता गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद गोंडा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम माध्यम से महिलाओं के लिए किया गया। जनपद न्यायाधीश द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए बताया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर 2021 से आगामी 14 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान में जनसामान्य के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। वर्तमान समय में तहसील स्तर न्यायालय से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाए जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि वर्तमान में महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जैसे महिलाओं के कार्यस्थल पर छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, पुरुषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न के पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार, पति और रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया। महिलाओं से संबंधित कानूनों की विधिवत जानकारी दी। इस अवसर पर पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ जनपद न्यायालय और जिला प्रशासन के कर्मचारीगण और भारी संख्या में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा बहुएं सहित महिलाएं शिविर में उपस्थित रहीं। कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाग करते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाकर कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता प्रदान की गई। लाइव टीवी समाचार के लिए पुनीता मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।